हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ले आए हैं बेसन की बहुत महंगी वाली रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही अलग तरीके से हमने बनाया है और बहुत यूनिक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे बेसन। तो ध्यान रखिएगा, बेसन मोटा वाला नहीं होना चाहिए, एकदम महीन बारीक वाला बेसन होना चाहिए। अगर आपके पास मोटा बेसन है तो उसे क्या करिए, छन्नी में छान लीजिए, पहले मोटा पार्ट हटा दीजिए, फिर इस ये रेसिपी को बनाइए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एकदम फाइन मतलब ले लिया है, एक कटोरी लिया है, मतलब हमने एक बाउल करीब आधा केजी के लगभग हमने लिया है बेसन, हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसका घोल तैयार करेंगे। तो पानी का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, तभी अच्छे से बैटर इसका बढ़िया से घोल बन के रेडी होगा। तो देखिए, एकदम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो पानी ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से एक ही राउंड में इसे बढ़िया से फेंट लेना है। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बढ़िया फेंटना, एकदम लाइट इसका कलर हो जाए, इस तरह से हमें इसे फेंटना। आप देख सकते हैं एकदम लाइट कलर हो गया, हमने इसे करीब 4 से 5 मिनट तक फेंटा है। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, फिर और फेंट कर लेंगे। करीब इसे हम इसे 4 से 5 मिनट तक हमें इसे फेंटना है, जब तक एकदम लाइट एकदम क्रीमी जैसे ना हो जाए। हम बैटर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, कटोरी में पानी लेंगे, उसमें बस इस तरह से चेक कर लेंगे। जब ऊपर को फ्लोट करने लगे तो आप समझ जाइए कि बैटर हमारा बढ़िया से फिट गया है। अब इसे हम रख देते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो रेस्ट के लिए 2 मिनट के छोड़ दीजिए, वरना तुरंत ही बना लें। तो यहाँ पे हमने तीनों कटोरी में 3 कटोरी ले लिया है और उसमें मतलब ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा कलर। तो यहाँ पे पहले हमने येलो फूड कलर लिया है, एक में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें 3 फूड कलर बनाने हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ बहुत लाइट है बेसन तो आप क्या करें, हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी से भी कलर अच्छे से आ जाता है। फिर उसके बाद हमने रेड कलर ले लिया है, वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से घोल लेंगे ताकि बढ़िया से मिक्स हो जाए कलर बैटर में। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रीन कलर, तो कलर आप अपने हिसाब से डालें, अच्छे से ग्रीन कलर को भी बढ़िया से फेंट लेंगे। तो जब अच्छे से बैटर बना रहेगा, फिटा रहेगा, तो जो रेसिपी है, बूंदियाँ हैं, बहुत अच्छी बन के रेडी होंगी। इसमें सोडा वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अच्छे से फेंटना है। सोडा वगैरह नहीं डालेंगे, हलवाई लोग सोडा डाल करके बनाते हैं तभी उनकी फुली फुली बन के तैयार होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, एकदम शुद्ध बनाया है। तो हमने बैटर को रेडी कर लिया है, सारे कलर को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी थी, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर ये हमने छन्नी ले लिया, ये छन्नी तो सबके घर में होती हैं, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बैटर के इस तरह करछल में ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, करछल ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा तो लंबे लंबे बूंदियाँ निकलेंगी और ज़्यादा नीचे होंगी तो बड़ी बड़ी सी गिर जाएंगी। तो मीडियम रखना है, देखिए जैसे हमने रखा है, और हमें टैप टैप नहीं करना है। बस क्या करना है, बस ऐसे ही राउंड से घुमाते रहना है हल्के हाथ में, तभी परफेक्ट बूंदियाँ बन के तैयार होंगी। टैप टैप कर देंगे तो क्या होगा, बूंदियाँ जो हैं ज़्यादा गिर जाएंगे। तो जितना कढ़ाई में आ सके हमें उतनी बूंदियाँ इसमें निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कितना परफेक्ट बूंदियाँ बन के रेडी हो रही है। अब इसे कुछ मिनट के लिए हम बढ़िया से बूंदियों को निकाल लेंगे, मतलब तल लेंगे, तुरंत नहीं निकालेंगे, नहीं तो कच्चापन रहेगा। थोड़ी देर तलेंगे तो क्या होगा, क्रिस्पी करारेदार होंगी। तो कुछ मिनट के लिए हमें बढ़िया से बूंदियों को फ्राई कर लेंगे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे सारे इस तरह से झन्ने में, और किसी झन्ने बर्तन में रख देंगे ताकि ये स्ट्रॉ ऑयल हो जो निकल जाए अच्छे से। ऐसे हमें सारे बना करके रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बड़े साइज़ के कद्दूकस लिया है, हमारे घर में था, तो अब हमें क्या करना है, उस कद्दूकस में हमने ग्रीन बैटर को बना लिया, तो अच्छे से धो करके पोंछ ले। फिर इस तरह से हल्का हल्का बैटर डालते रहेंगे, आराम से बूंदियाँ निकलती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बूंदियाँ हमारी निकल रही हैं। तो जितना कढ़ाई में आ सके उतनी बूंदियाँ हमें निकाल लेनी है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे घुमाते रहेंगे तो ही बूंदियाँ बढ़िया से निकलेंगी। और कलर देखिए अब कितना बढ़िया आया है, और बिल्कुल हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही
और बूंदियाँ सारी गिर जाती हैं। तो इसे भी कुछ मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो सारी बूंदियों को निकाल लेंगे, अलग अलग रखेंगे, अलग अलग कलर के जो हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें झरने वाले बर्तन में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है आराम से निकल जाए। फिर हम उसी झरने को वापस से धो लिया है, पोंछ लिया है, फिर इसमें हम रेड कलर का बूंदियाँ निकालेंगे। तो देखिए, इसी तरह हमें सेम प्रोसेस में सारी बूंदियों को निकाल लेना है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, जितना कढ़ाई में आ सके उतने हमें बूंदिए इसमें निकाल लेना है। और इस बूंदिए से आप चाहे नमकीन बनाए या फिर आप चाहे तो रायता बनाए, आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो इस तरह से हमें सारी बूंदियों को निकाल लेना है। तो ये बहुत ही परफेक्ट और इजी से बन के तैयार हो गया है, बिना सोडे का हमने बनाया है। तो एक बार आप भी इस तरह से ट्राई करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने कलरफुल बूंदियाँ बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए, हमने सारे कलर की बूंदियाँ रेडी के लिए लिया है। आप चाहें तो एक ही कलर का बना लें, या फिर येलो या फिर रेड, जैसे आप इसका लड्डू भी इजीली बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम सारे कलर को मिक्स कर लेंगे। तो बूंदियाँ हमने रेडी कर लिया, अब इसे रख देते हैं। अब चलिए इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो पहले बूंदियाँ बना लेंगे, फिर उसके बाद चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने गैस पे भगोना चढ़ा दिया, वहाँ पे डालेंगे इसमें हम आधा केजी चीनी। तो आधा केजी हमने बेसन लिया था, उतना ही चीनी ऐड करेंगे, हमें ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है सीढ़े वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल दिए हैं 1 कप पानी, करीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। हमें सीढ़ा बस ऐसा चाहिए जैसे गुलाब जामुन का सीढ़ा होता है। तो ये चाशनी बहुत जल्दी बन के रेडी होती है, इसके बनाने के लिए मैक्सिमम बहुत कम टाइम लगता है। तो हमें पानी कम लग रहा था और हमने फिर से पानी ऐड किया है थोड़ा सा, फिर से बॉईल आने तक हमें इस तरह से चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए छोड़ देना है। कुछ मिनट के बाद जब बॉईल आने लगे इसमें, तो हमें ऊपर से चेक कर लेना है। तो आप चाहे तो बूंदिया से पहले ही सीधा बना करके रेडी करके रख सकते हैं, और चाहे बाद में बना लें, लेकिन बूंदियाँ पहले से बनी रहती हैं तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे हम डाल दिए फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची कूट करके, आपके पास पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम सीढ़े को चेक कर लेंगे फिर से वापस से। तो सीढ़ा हमें बस चिपचिपा सा होना चाहिए, तार वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जैसे रसगुल्ले या गुलाब जामुन का सीढ़ा रहता है बस वैसे। तो सीढ़ा हमारा भी बन के रेडी हो गया, इसे ढक देते हैं, कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद सीढ़ा हम चेक करेंगे, जब ज़्यादा नहीं ठंडा होने देंगे, बस थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए। तो कुनकुने ही सीढ़े में हमें बूंदियों को ऐड कर देना है। तो इस तरह से बूंदी डाल देंगे, तो एक बार थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसके बाद चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद पूरा ऐड कर देंगे। तो हम ज़्यादा मीठे बूंदियाँ नहीं बना रहे हैं, और बहुत लोग कहते हैं बहुत सीढ़ा रहता है, नहीं, परफेक्ट बूंदियाँ बनाए, एकदम खिली खिली बन के रेडी होंगी और बूंदियों में सीरा ऑब्जॉर्व कर लेगा बहुत बढ़िया से, जब बूंदियाँ परफेक्ट बनी रहेंगी। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे से बढ़िया से, फिर इसे ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बूंदियों में सीरा आराम से पहुँच जाए। 1 घंटे के बाद चेक करेंगे, तो लीजिए कितना बढ़िया खिला खिला बन के रेडी हो गया है, बूंदियाँ सीरे को अब्सॉर्ब कर लिए हैं और बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गया है। और ज़्यादातर ये बूंदियाँ प्रसाद में बनती हैं, या फिर भंडारे में बनता है, या फिर किसी घर में छोटा मोटा प्रोग्राम है तो बनता है। तो आप घर में इस तरह से प्रसाद बनाएं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूनिक है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और खाने में तो टेस्टी है ही है, क्योंकि इसमें हमने फ्लेवर के लिए इलायची जो ऐड किया है। तो लीजिए, कलरफुल बूंदियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप और सबसे अच्छी बात तो ये है, आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। बूंदियाँ बना करके सीढ़ा जब मन कहे तब आप बनाइए, सीढ़े में कितना टाइम लगता है बनाने में, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बनाएं फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमने थोड़े से सीड्स ऐड कर दिए, आपके पास नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे खरबूजे का बिया ले लिया है। तो इस तरह से गार्निश कर लेंगे, तो है ना,
जब प्रसाद आप अपने घर में खुद से बनाए तो उसकी जो खुशी होती है ना, बहुत ही अलग सी होती है। तो भगवान के लिए इस तरह से प्रसाद बना करके तैयार करें फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ अच्छा लगा तो भी कॉमेंट्स करके बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कॉमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूँ। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।